सुबह अभी 1:06 हो रहे हैं और मेरा कुछ प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। मुझे लगा था कि ऑर्डर लेट ही आएगा रात में, बट आज साला टाइम पे आ गया क्योंकि आज मैंने वीडियो शूट नहीं की सुबह से। तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है, अब मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या है। सुबह ही मैंने मंगाई थी हेडफोन, फाइनली आ गई है। अब इसको चेक करके देखता हूँ क्या क्या सिस्टम है इसका। बस जो बैटरी बैकअप है इसका 60 आवर्स का ही रहना चाहिए। 10 मिनट अगर इसको चार्ज करो तो 20 घंटे चलेगी। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, तो यह है हेडफोन, ये इसका डाटा केबल। फर्स्ट टाइम स्टिकर भी मिले हेडफोन के साथ। ये इसके प्रिस्क्रिप्शन जो किसी काम की नहीं है। ये इसके एक्स्ट्रा एयरबड मिले हैं लगाने के लिए। स्टिकर बढ़िया है, इनको यूज़ करूँगा मैं किसी चीज़ पे। ये आई थिंक इसका वारंटी कार्ड होगा, 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी। तो मेरे ये काम के हैं, ये कचरा है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ये देखी थी, इसका प्राइस था 999, मतलब 999 रुपये। और जब मेरी सैलरी आई तो उसी दिन इसका प्राइस हो गया 1099 रुपये, 100 रुपये बढ़ गया। तो मैंने 1-2 दिन वेट किया कि कम हो जाए कम हो जाए, बट कम हुआ नहीं। तो फिर मैंने लास्ट में ऑर्डर कर दिया इसको अपने क्रेडिट कार्ड से, पैसे थे नहीं मेरे पास। उसके बाद अभी मैं इसका प्राइस चेक करूँगा तो इसका प्राइस है आई थिंक 1249। तो अभी और बढ़ गया है इसका प्राइस, आई थिंक हाँ 149 रुपये बढ़ गया है। और तो मैंने अच्छा हुआ इसको ऑर्डर कर दिया, वरना फिर मेरा और लॉस हो जाता। मेरी पुरानी जो हेडफोन है ये है, ये मतलब 20 मिनट चार्ज करूँगा तो 20 ही मिनट चलेगी। अब मैं इसे अच्छे से अपनी वीडियो रिकॉर्ड वीडियो एडिट कर पाऊँगा। मेन बस मेरा मोटिव यही था इसको लाने का। तो भाई दिवाली की सेल थी इसलिए मुझे सस्ती मिल गई है। अगर आप कोई परचेज करेगा अमेज़ोन से तो चेक कर लो, 1200 से ऊपर की मिलेगी। सो भाई 10 बजने वाले हैं, अब जाके हमारी चाय आई है और ये लास्ट चाय है। भाई चाय पीने की इतनी गंदी आदत लगी है, अब सुबह चने छोड़ के मैं चाय का इंतज़ार करता हूँ। सोचो मुझे कितना टाइम हो गया है आए हुए कि पहले चाय पीऊँगा उसके बाद चने खाऊँगा। डाइटिंग, और जो मदरहुड में कैंटीन है ग्राउंड फ्लोर पे, ये जा रहे हैं, बेचारों को बहुत सताया गया है। तो अब यहाँ पे कोई नया स्टाफ आएगा, नई कैंटीन वाले आएंगे। वैसे ये खाना बढ़िया बनाते थे यार, इनका पराठा एक नंबर था। अब देखते हैं पता नहीं कौन आएगा कैसा बनाएगा। आज 30 तारीख है तो आज लास्ट डे है इनका, कल से फिर देखते हैं कौन आएगा। आज मैं पराठा, डेली पराठा तो ऑर्डर करते ही हूँ, उसमें कहने आए हैं बस साले दाम ना बढ़ा दे नए वाले आके। पराठा यार इन बढ़िया बनाते हैं यहाँ के, बड़े बड़े स्टाफ भी जाएगा, कैंटीन वाले के हैं ना, हमारे जैसे थोड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन चली गई हम यही है। मैं तो सोच रहा किस तरीके से अगर मदरहुड पेरोल पे हो जाए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, जबरदस्त हो जाए। फिर जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर शादी बच्चे सब हैं। सो भाई 3 बजने वाले हैं, 15 मिनट हैं, पराठा और दही मंगाया है। ये कहाँ गया, पूरा पैक है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। ये पराठे लेकर आया था मैं, पता नहीं मैं कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा, कड़वा कड़वा सा। एक तो पराठे भी जला दिए, ऊपर से मोटे मोटे बनाए। चलिए फिर शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसे फ़ोन पे से पन्नी उतारते ऐसे इस पे से पन्नी उतारते। सालों ने आज पराठा छोटा बना के दिया है आरामियों ने, आटा बचा के लेके जाएंगे अगर। 15 रुपये का लग रहा है मुझे ये, आलू भी कमी डाल ले बेटे, बचत कर रहे हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे। आज 1 दिसंबर है, न्यू मंथ है और साल का लास्ट मंथ चल रहा है। मॉर्निंग के 9:10 हो रहे हैं, 10-15 मिनट मुझे ऑफिस आए हुए हो गए हैं। और आज हमारी सैलरी का दिन है, पहले 10 तारीख को आती थी सैलरी, अभी 1 तारीख को आएगी, तो देखते हैं कितने बजे तक आएगी। और वैसे इस मंथ की जो ना सैलरी ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि हमें दिवाली पे छुट्टी नहीं मिली थी, वो भी पे ऑफ होना चाहिए हमें। और 1 दिन एक्स्ट्रा था हमारा, इसमें 20 से 20 का मंथ होता है, मतलब 21 से 20 का महीना होता है, तो यहाँ पर हमें सैलरी मिलेगी 1 दिन एक्स्ट्रा की। और हाँ, मुझे कल भाई लेंस कार्ड से मैं कॉल आई थी, वैसे तो मेल भी आती रहती है क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन रुका हुआ है, मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो लास्ट ईयर की है वो जो मैंने दी है उनको, वो उसको ओरिजिनल नहीं समझ रहे हैं इस वजह से। तो मेरे पास कॉल आई, मैंने फिर से उनको डिटेल शेयर की अपनी ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट। सो देखते हैं अगर वेरीफिकेशन हो जाए तो मेरा भी हो सकता है वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। सुबह ही लोगों 11:20 हो रहे हैं, नए कैफेटेरिया की चाय आई है, ये रही। जब से ये चखना खा रहा था मैं, ये चखना सपड़ गया है। चाय की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका टेस्ट देखते हैं। वैसे भी इनका नया कैफेटेरिया है ना,
तो अभी क्वालिटी अच्छी रखेंगे। चाय की क्वालिटी एक नंबर लग रही है, बाकी पी के देखता हूँ। चाय बढ़िया है, एक नंबर। ये केतली देंगे नहीं देंगे? केतली आएगी ना तो उसमें सही रहेगा, उसमें चाय भी ज़्यादा रहेगी और अपने हिसाब से पी सकते हैं। वैसे इनको केतली देनी चाहिए। सो ये गाइस अभी 8 बजने वाले हैं, जस्ट मैं रूम पे हूँ। आज फ्राइडे था तो ट्राइसेप मारा, बट मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। जो मेरे साथ जिम जा रहे थे लड़के, उनकी ड्यूटी चेंज हो गई है, तो वो अब मतलब अभी 2 से 10 की शिफ्ट में जा रहे हैं दोनों, तो मैं अकेला था। और यार अकेला जब होता हूँ तो मैं किसी से बोलता नहीं हूँ वीडियो शूट मतलब वहाँ पे करने के लिए। और एक अच्छी बात, मेरी सैलरी आ गई है, और इस मंथ की जो मेरी सैलरी आई है वो सबसे ज़्यादा आई है। अब तक मैं जो कर रहा था ना मदरहुड में, तो ये भी अच्छी बात है। मुझे जिम की फ़ीस देनी है, फिर आधे घर भेज दूँगा, फिर 12 तारीख को रेंट दे दूँगा यहाँ का, जो बचेंगे पैसे उसमें खाना पीना करना है, आना जाना करना है, और अपना जो भी है डाइट वाइट सब लेनी है, शॉपिंग भी करनी है। और हाँ, एक मेरी फ्रेंड है तो उसका फाइनली लेंसकार्ट में सिलेक्शन हो गया है, तो उसी 11 तारीख से ज्वाइनिंग है, तो उसको कंग्रेचुलेशन, फाइनली एक सिलेक्शन हो गया। मुझे भी कल कॉल आई थी लेंसकार्ट से वेरिफिकेशन के लिए, बट मेरी डिग्री पेंडिंग है तो मेरा काम हो नहीं पा रहा है, वरना उसकी और मेरी ट्रेनिंग साथ होती तो कितना बच्चा तो कितना अच्छा होता ना, बच्चा बोल रहा हूँ। तो 11 तारीख से उसकी ट्रेनिंग है, तो उसको 10 तारीख को संडे के दिन यहाँ पे आना होगा, ताकि 11 तारीख से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके। एक सेकेंड। और आज ही उससे सुबह मेरी लड़ाई हो गई थी, मतलब लड़ाई क्या, मैं गुस्सा हो गया था, फिर मैंने सोचा यार खैर छोड़ो, बेचारी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो मेरी हेल्प पड़ेगी उसको, तो मैंने अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया, वरना बेचारी की बैंड बच जाती। वैसे सेल्फिश है थोड़ी सी वो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे। अभी 9:10 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और 2 दिसंबर है आज, सैटरडे है। सो कल ऑफ रहेगा तो कल रेस्ट करेंगे आराम से। और मुझे यहाँ पे लगभग 25-30 हो गए हैं आए हुए। एक तो मेरे जो साथ का है वो ड्रॉअर की चाबी ले गया था जिसमें लैपटॉप रहता है, तो ये दूसरी चाबी ली मैंने खुलवाया। ऊपर से बाहर थे तो साला बाहर जो गेट है वहाँ पे कार्टून बॉक्स रख दिए, तो मैंने इसकी भी कंप्लेन कर दी है, ये बार बार यहाँ पे रख देते हैं। भाई सुबह उठा हूँ, वैसे तो मेरी आँख जो है 7 बजे खुल गई थी, तो मुझे नहा के आना था क्योंकि मैं 2 दिन से नहाना मिस कर रहा था, मतलब मिस कर जा रहा था, मिस कर जा रहा था, लेट हो जा रहा था इस वजह से। सो सुबह उठा, नहाया धोया आराम से ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में, उसके बाद रेडी होके आ गया। सो भाई लोगों, नई कैंटीन की नई केतली, कैसे करते हैं चाय, ऐसी करते हैं ना। आज की चाय की क्वालिटी मुझे घटिया लग रही है, पानी पानी लग रही है। ऊपर से आया बोल रहा पेमेंट करो, पेंच बिल्कुल ही पानी है। बेंच बिल्कुल पानी, कद्दू का स्वाद नहीं इसमें। सो गाइस अभी 6:30 हो गए हैं और मैं जिम के लिए रेडी हो गया हूँ। टी शर्ट पहन ली, लोअर पहन लिया, जैकेट डाल लूँगा बाहर ठंडे तो। और अभी मैं बस सिर्फ एक केला खा के जा रहा हूँ, क्योंकि आज है सैटरडे शनिवार, और आज के दिन होता है लेग डे। तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछले सैटरडे को भाई मैं शेक पी के चला गया, और वहाँ पे मैंने लेग मारा हैवी, स्क्वाट्स मारी मैंने 82 की 80 की, और लेग प्रेस मारी मैंने 170 यानी 180 की। तो भाई उसके बाद आ गए मुझे चक्कर, क्योंकि पेट भरा हुआ था ना, इस वजह से मेन दिक्कत वो हो गई। ऑफिस में मैंने पराठा दही खा लिया था, फिर आगे मैंने शेक पी लिया तो थोड़ा हैवी हो गया था, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक केला खा के जाऊँगा, इससे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी तो वही ठीक है, बाकी आके मैं शेक वेक पी लूँगा। और अभी मैं रूम पे हूँ, कोई है नहीं, और एक रूम पार्टनर ने आज रूम की साफ़ सफाई की है तो बढ़िया है, और कल संडे है तो कल रेस्ट करूँगा और आराम से 10 बजे लो सोऊँगा। और ये टी शर्ट देख रहे हो भाई, एक टाइम था ये टी शर्ट मेरी इतनी ढीली आती थी,
कि क्या ही बताऊँ। और अब देखो बाइसेप से भी टाइट हो गई है, सारे कपड़े ऐसे टाइट करने हैं तभी लगता है कि हाँ भाई जिम करने का कुछ फर्क पड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम है, जब ये थोड़े टाइम बाद जो ना खुद पूरी टाइट हो जाएगी, जो थोड़ी सी ढिली है ना ये। अभी एक ब्लॉग भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो अपलोड होएगा 5-6 मिनट में मैं निकल जाऊँगा जिम, और देखता हूँ मौका मिला तो शूट कर लूँगा, वरना कोई बात ही नहीं। और आज ही ब्लॉग मैं एंड कर दूँगा जिम से आने के बाद। सो भाई लोगों 8:15 हो रहे हैं और मैं जिम से आ गया हूँ, लैग मारा है दबा के, एक आध एक्सरसाइज कम की है क्योंकि मैं अकेला था, कोई सपोर्ट करने वाला होता है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाता है ऊपर। और लैग में कभी कभी ऐसा होता है कि यार मन ही नहीं करता, मतलब कि लैग सबसे ख़तरनाक एक्सरसाइज होती है। और शनिवार के दिन ही सैटरडे के दिन कम से कम 50-60% जिम खाली रहता है। आज वही हाल था, एक लड़का बोल रहा जिम वाले से कि भाई आज के दिन पूरा जिम खाली रहता है, उसे ये नहीं पता कि आज लेग डे है। ऐसी मैं एक एक्सरसाइज होती है जो बैठ के मारते हैं, मतलब आई थिंक हैमस्ट्रिंग नाम है उसका, पता नहीं जो भी नाम है। तो मैं मारने जा रहा था, मेरा लास्ट रैप था, एक लड़की मार रही थी तो मैंने उससे ऐसे बोला कि आप करेंगे इशारों में तो वो बोलती सपोर्ट दोगे मैंने बोला हैं तो फिर वो चुप हो गई। फिर मैंने मतलब बोला कि मेरा लास्ट रैप है तो बोलती सपोर्ट दोगे, मैंने कहा ठीक है पहले मैं कर लूँ, तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस वाली सिचुएशन हो गई थी। जब मैंने अपना मार लिया सेट तो फिर वो मार रही थी, बट उसने उसके बाद बोला नहीं, अब मैं ऐसे अपनी तरफ से सपोर्ट देता तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, अजीब सा। सामने से अगर लड़की बोले तो सपोर्ट दोगी, जो कि उसने पहले बोला था। अब एक लड़का था जो उसके बाद मार रहा था, तो उसने मुझसे सपोर्ट मांगा, मैंने उसको बढ़िया करके सपोर्ट दिया, अच्छे से उसने मारा। भाई पैसे नहीं है कि मैं हनी लेके आ जाऊँ, चीनी से काम चलाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा बैड फैट मैं ले रहा हूँ बॉडी में, बट मेरी बॉडी में जो ना फैट की मात्रा कितनी होगी, मैक्सिमम 15%। ये ओट्स हैं, मैंने ओट्स डब्बे में कर लिए, एक ही डब्बा है एक दूसरा डब्बा है उतरी एक। और आज मैं एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, ये इसको बोलते हैं खजूर, 1.30 का दे रहा था तो मैं 2.50 के ले आया, अच्छी बात है, हो सकता था कि मुझे और सस्ते दे सकता था। सोच रहा था कि इस सैलरी पे मैं ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर लूँगा, बट अभी पॉसिबल नहीं है। ओ तेरी पूरा ही फट गया, अरे यार इसमें मैं ये 3 ही डालूँगा तो बहुत है यार, साला हाथ और गंदा कर लिया। तो आई थिंक आप देख नहीं पाओगे, अभी जो इसमें मटेरियल पड़ा है ना, ये दूध है, केला है, थोड़ी सी चीनी डाली है मैंने, थोड़ा मीठा स्वाद आया, पीनट बटर है, ओट्स है, और अब मैंने नई चीज़ ऐड की है इसमें खजूर। तो अब इसको मैं शेक कर लेता हूँ। अभी इसमें और भी चीज़ें मुझे ऐड करनी है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ड्राई फ्रूट्स मैं ना भी ऐड करूँ तो मैं ऑफिस में लेके जा सकता हूँ, रात में भिगो के रख दूँगा और मॉर्निंग में ले जाऊँगा। सो भाई लोगों ये बन गया शेक, एकदम ठीक है और बहुत ही ज़बरदस्त, इसको मैं पी लेता हूँ। तो भाई शेक पी लिया है मैंने, तो मुझे कुछ दिखाना था, ये हेयर मल्टीविटामिन है दोनों, एक DST ब्लॉकर है ये वाला, और ये हेयर मल्टीविटामिन है, दोनों में 60-60 कैप्सूल आए थे। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर है तो वो देख लेना। तो इसका रिव्यू देना था मुझे, ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया होगा। तो इसका रिव्यू ये है कि 100% तो वर्क नहीं करता है, मेरे भी बाल गिर रहे हैं, बट इसके कुछ इफ़ेक्ट पड़े हैं कि जितने मेरे बाल पहले टूट रहे थे अब उतने नहीं टूट रहे। मतलब मान लो कि पहले 100% में से जो ना 30% ही होंगे जो टूटते हैं मेरे, अगर मैं तेज़ से भी मारूंगा ना तो ही गिरेगा, वरना अगर मैं पहले हल्का सा कंघा कर लेता था तो मतलब बहुत सारे गिर जाते थे और मेरी बैंड बच जाती थी। ये इफ़ेक्ट डालता है बट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये, वो ये है कि 50-50 तो आप यूज़ कर सकते हो उसको, और ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बस ये है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। और आपको कोई ऐसी मेडिसिन पता है जो हेयर के लिए अच्छी हो, हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे हेयर दूसरे अच्छे होके आए तो मुझे बताओ। एक ने बताई भी थी, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है तो मैं वही भी यूज़ करूँगा। और
फिलहाल के लिए अभी मैं जिम जाता हूँ डेली, तो मैं ये मल्टी वाइटमिन्स यूज़ कर रहा हूँ। ये एटम की मल्टी वाइटमिन्स है और एटम के सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे कि मैंने यूज़ किया है, मैं क्रिएटिन भी यूज़ करता हूँ उसका। तो वो ये कि खाने से सारे हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो कुछ चीज़ें हमें अलग से लेनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मंगाया था, आई थिंक 399 या 450 रुपये कुछ ऐसी होगा, 60 कैप्सूल आते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो ना ये इफ़ेक्ट डालती हैं बॉडी में, तो ये ज़रूरी है। मुझे भी कुछ और प्रोडक्ट भी यूज़ करने थे, मतलब अपनी कुछ भी और भी मतलब मेडिसिन मंगानी थी, जैसे फिश ऑयल मंगानी थी, अश्वगंधा, शिलाजीत, और क्या मंगाना था मुझे, फिश ऑयल हो गया, तीन चीज़ें, और एक आध चीज़ और है जो मुझे याद नहीं, वो भी मंगानी थी। तो मतलब 1000 रुपये का सौदा था, बट इस समय जो ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अगले मंथ ट्राई करूँगा ये। तो भाई लोगों ये रिव्यू देना था, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी हेल्थ में मुझे इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो बस ठीक है, तीन दिन से ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, वैसे कुछ खास तो है नहीं, बस नॉर्मल डेली ब्लॉग है, जब मुझे टाइम मिलता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है बताने वाली तो मैं शूट कर लेता हूँ। और भाई जब भी ये प्रोडक्ट मंगाओ ना, अगर एटम का प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो एज इट इज़ की साइट से जाके मंगाओ, और हेल्थ कार्ड का ये प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो हेल्थ कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके मंगाओ। तो ठीक है भाई, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट 100% करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तभी मुझे भी थोड़ा ग्रोथ मिलती रहेगी, 1K मेरे हो जाएंगे। और आज क्या है, आज 2 दिसंबर है, सैटरडे है, कल संडे है, तो भाई इस महीने में मतलब वही 27 दिन है, 27 दिन में देखता हूँ कितने सब्सक्राइबर हो पाते हैं। चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी करवा दूँ, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो मुझे जानते हैं, बट ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं ना कंटेंट पे काम करूँ, सब्सक्राइबर तो ऑटोमेटिक बढ़ते ही रहेंगे। वैसे मैंने अभी अपना जो मेरा इंस्टाग्राम है भाई, मैंने उसका जो मैसेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है वो मैंने बंद कर दिया था कि कोई मैसेज ना करे मुझे, बट मैंने फिर से ऑन कर दिया है, क्योंकि भाई फालतू के मैसेज बहुत आते रहते हैं। अब मैंने पीजी की वीडियो डाली है, तो उस पर बोल रहा भाई पीजी का रेट क्या है, मतलब पीजी का प्राइस क्या है, रेंट, तो मैंने बोला भाई थंबनेल में ही लिखा हुआ है बड़ा बड़ा 4500 रुपये फोर शेयरिंग, तो और क्या चाहिए, तुम फिर भी ये वही पूछ रहे हो। और सब्सक्राइबर ये पूछते हैं, मतलब ऐसी हालचाल लेते हैं कि और भाई क्या कर रहे हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, भाई डेली वीडियो डालता हूँ मैं हर दूसरे तीसरे दिन, वहाँ देख लिया करो, सपोर्ट मिलेगा मुझे। ठीक है फिर, ठीक है भाइयों, सपोर्ट बनाए रखना, जय श्री राम।